अमनदीप के पिताजी और आसपास के लोग मिठाइयां खिलाकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। साथ में मौजूद है राजेश पायलट शिक्षा समिति के दीपक भाटी जी भी। ऐसी प्रतिभा मौजूद है जिसने कम संसाधनों के बावजूद हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और धनकौर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रमनदीप जी, जो मंडी श्याम नगर में एक छोटा सा क्लिनिक चलाने वाले विनोद कुमार जी के पुत्र हैं। हम बात करेंगे रमनदीप जी से। जी, मेरा नाम रमनदीप है और मैं गांव मसौता में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम विनोद कुमार है, मैं मंडी श्याम नगर के इंडो पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? जी, मैं अपने माता पिता और मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी हैं और शिक्षकों को, मेरी बड़ी बहनें हैं, और जी मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ और शिक्षक। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और छात्रों के लिए? जी, मेरा मैसेज यही है कि सबसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर पाएंगे, तो अगर विश्वास होगा हम तभी कर पाएंगे। आज राजेश पायलट शिक्षा समिति के दीपक भाटी इनके निवास पर पहुँचे और उन्होंने सम्मानित किया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पे आए। वो 19 वर्षों से लगातार होनहार बच्चों को सम्मानित करते हैं, आज मुझे भी किया है उन्होंने, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो? जी, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर बनकर देश की सेवा, विशेष रूप से आप किसका योगदान मानते हैं अपनी इस सफलता के लिए? जी, मेरे मम्मी पापा हैं और बड़े पापा। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार जी, जिनके बेटे रमनदीप ने गौतम बुद्ध नगर में हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे और बच्चों के लिए? मैं बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँ कि कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़ें। नहीं, आपके बच्चों ने जिला टॉप किया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी मेहनत और उनके गुरु की जो मेहनत है वो बहुत बंगलाई बहुत। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के किसान धर्मवीर सिंह जी, क्या कहेंगे हमारे यहाँ के धनकौर क्षेत्र के मंडी श्याम नगर के एक छात्र ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नहीं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए, समाजसेवी संगठनों को क्या करना चाहिए? इसको प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को, जिससे मेहनत करें, इसको देख के और बच्चे भी इसी तरह आगे बढ़ें। आज गौतम बुद्ध नगर से चलकर आए हैं राजेश पायलट शिक्षा समिति के दीपक भाटी जी ने सम्मानित करने, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सराहनीय कदम है इनका, इस तरह बच्चों में उत्साह बढ़ेगा और लगन से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे बच्चे। हमारे साथ मौजूद हैं इंडो पब्लिक स्कूल के उप प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपके एक छात्र रमनदीप ने जिला टॉप किया है गौतम बुद्ध नगर में, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अध्यापक तो बच्चों को सबको पढ़ाता है एक जैसा, मगर बच्चे ही होते हैं जो स्कूल का, गांव का, माँ बाप का, प्रिंसिपल का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, और बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? और बच्चों के लिए यही टिप्स देना चाहूँगा मैं कि इस बच्चे के समान ही वो उतनी ही मेहनत करें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, मात्र 6 घंटे प्रतिदिन मेहनत करनी होती है और उसके अलावा रेगुलरिटी बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, इंडो पब्लिक स्कूल जो है उसमें कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं? 185 बच्चे तो 10th में ही थे और बाकी बच्चे भी हैं। कहाँ पर स्थित है ये? मंडी श्याम नगर में ही स्थित। बच्चों के लिए केवल इतनी बात जरूरी है कि वो ये जान लें कि पेपर में आना क्या है और उसको उसी अनुसार स्टडी करें, प्रति लेसन को पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर जो भी है वो अपने आप बनाए। कोचिंग के बिना ही बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। उसके कोचिंग के इतनी देखा जाता है बच्चों में, ज़्यादातर पढ़ाई पहले बाद में शुरू होती है, कोचिंग पहले शुरू होती है। हाँ, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया है कि कोचिंग की आवश्यकता कुछ नहीं है। विद्यालय में पढ़ने के बाद मात्र 6 घंटे प्रतिदिन यदि वो घर पे पढ़ लेता है तो उसके बाद उसको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती।